नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। कायथा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत द्वारा थाने पर एलईडी टीवी लगाकर बच्चियों को मुख्यमंत्री के संबोधन को ऑनलाइन दिखाने व सुनवाने की व्यवस्था की गई थी। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं एवं बच्चियों से बात कर अप्रिय स्थिति में महिला हेल्पलाइन पर सूचना देने की जानकारी दी तथा अपराध रोकने के लिए किस तरह अपनी सुरक्षा करें इस संबंध में थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत ने जानकारी दी। इस अवसर पर थाना प्रांगण में स्कूल की बच्चियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में स्वाभाविक रूप से मां बहन और बेटियों का जो सम्मान है वो अन्यत्र दुर्लभ है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, पहले नाम आएगा तो देवी का आएगा, मां का आएगा। ये किस आज 11 जनवरी को महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु एक जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अभियान का नाम सम्मान अभियान है। ये 11 जनवरी से 26 जनवरी तक हम चलाएंगे और उसी के उपलक्ष्य में आज हमने हमारे थाना कायथा पर प्रोग्राम रखा था। ये एमपी के समस्त थानों पर प्रोग्राम रखा गया था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है और एक शपथ दिलाई गई है, जिसमें हमने स्कूल एवं कॉलेज की बालिकाओं को बुलाया था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया था, गाँव के अन्य सामान्य लोगों को बुलाया था, मीडिया बंधु लोगों को बुलाया था। और इस अभियान के द्वारा हम समाज में एक जन जागृति लाना चाहते हैं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अभियान अपराधों के संबंध में।